हाय गाइस, गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत लोगों का यूट्यूब चैनल का जो वीडियो होता है उस वीडियो पर व्यूज ही नहीं आता है। भले ही वो लोग बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो बनाते हैं लेकिन वीडियो पर व्यूज नहीं आता है, और मुझे पता है वो लोग ही ये वीडियो को देख रहे हैं। और आज के इस वीडियो पर मैं आप सबको बताऊंगा अपना चैनल पर आप लोग व्यूज कैसे लेके आएंगे। ये मैं मेरा एक्सपीरियंस ही आप लोगों के साथ शेयर करने का कोशिश करूंगा। सो हाय एवरीवन, आप सबको फिर से और एक नया वीडियो पर स्वागत है। मेरा नाम है तरुण राज और हमेशा हूं आप सभी के साथ। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को यह समझना पड़ेगा YouTube क्या है। दोस्तों YouTube पर ज़्यादातर वीडियोस को सर्च करके देखा जाता है, मतलब हमारा वर्ल्ड का सेकेंड सर्च इंजन हम लोग कह सकते हैं YouTube को। क्योंकि अगर आप लोग भी YouTube पर आते हैं तो आप लोग थोड़ा सा नोटिस कीजिए, आप लोग जो भी वीडियो को देखते हो कुछ कीवर्ड को सर्च करते हो कि भैया मुझे इस टॉपिक का वीडियो चाहिए, ठीक है। सो मतलब आप लोग अपना क्वायरीज को, अपना क्वेश्चंस को, अपना जो सोच है, अपना जो विचार है, उनको सर्च करते हो। उसके बाद आप लोगों को जो वीडियो दिखाया जाता है उस वीडियो को आप लोग क्लिक करते हो या प्ले करते हो। इसका मतलब कुछ इस प्रकार से हुआ, अपना चैनल पर व्यूज लाने के लिए आपको सर्च टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है। सो सर्च टॉपिक फाइंड करना बहुत ही सिंपल है। आप लोग आ जाइए यूट्यूब ऐप पर, सर्च बार को चूज कर लीजिए, वहां पर लिखिए हाउ टू, उसके बाद दुनिया भर का टॉपिक आ जाएगा। सो आपको इस प्रकार का कुछ टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना है जिसको लोग सर्च करते हैं, मतलब हाउ टू वाला कॉन्टेंट, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्च किया जाता है कि हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, हाउ टू मेक चिकन बिरयानी, हाउ टू मेक पनीर। उसके बाद आपको एक हेल्पफुल एंड बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाना है। मतलब आप लोग वीडियो बना रहे हो सर्च टॉपिक के ऊपर, लेकिन अपना जो वीडियो के अंदर जो कंटेंट होगा वो बहुत ज़्यादा यूनिक होना चाहिए एंड यूजफुल होना चाहिए। मतलब कोई भी बंदा अगर अपना वीडियो पर क्लिक करके उस वीडियो को देखते हैं तो भाई वीडियो का भावना में खो जाए, या फिर वीडियो को आप लोग इस प्रकार से बनाए कि ऑडियंस वीडियो को स्किप ना करे, पूरा देखे, एंड वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपने शेयर करने का कोशिश की हो या फिर जो भी आप शेयर करने का कोशिश की हो वो बिल्कुल क्लियर हो, ठीक है। सो इस प्रकार से आपको अपना वीडियो बनाना है। उसके बाद आपको थंबनेल के ऊपर भी ध्यान में देना है, क्योंकि आप क्या करते हो जब किसी भी टॉपिक को सर्च करते हो थंबनेल देखते हो उसके ऊपर क्लिक करते हो। सो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आप लोग अपना वीडियो का जो टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर एक अट्रैक्टिव थंबनेल बनाइए, और थंबनेल बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का होना चाहिए, मतलब कलरफुल थंबनेल होना चाहिए इस प्रकार का थंबनेल, ताकि कोई भी पर्सन अगर अपना वीडियो से रिलेटेड कीवर्ड को सर्च करते हैं और अपना वीडियो अगर उन तक पहुँच जाता है तो थंबनेल देख के ही क्लिक करने के लिए मजबूर हो जाए। इस प्रकार का थंबनेल आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ओके। उसके बाद आपको अपना डिस्क्रिप्शन पर सर्चेबल कुछ कीवर्ड जरूर लगाना पड़ेगा। ये SEO पर काम करते हैं, क्योंकि आपने वीडियो बना दिए हो, वीडियो का टाइटल भी लगा दिए हो, ठीक है, और टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन कुछ इस प्रकार से बनाना है कि उस जगह पर आपने वीडियो से रिलेटेड कुछ कीवर्ड हो एंड उस कीवर्ड को पार्टिकुलर सर्च कीवर्ड टारगेट करते हुए लगाना है, ठीक है। सो मान के चलिए अपने वीडियो का टॉपिक है हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, सो आप लोग टाइटल पर रखेंगे हाउ टू मेक मनी ऑनलाइन, डंडा लगा कि हिंदी पर रखेंगे मतलब पैसा कैसे कमाया जाए, और डिस्क्रिप्शन पर मेक मनी से रिलेटेड कुछ कीवर्ड आप लोगों को डालना पड़ेगा। हाँ, कीवर्ड स्टफिंग जो पॉलिसी है इसको वायलेशन मत कीजिएगा, लेकिन डिस्क्रिप्शन पर बहुत ज़्यादा जगह देते हैं, सो आप लोग वीडियो के बारे में कुछ लिख सकते हो, योर क्वेरीज लिख के अपना अलग अलग कीवर्ड लगा सकते हो, लेकिन यूट्यूब का जो पॉलिसी है इसको ध्यान में रखते हुए। उसके बाद आप लोगों को सर्चेबल टैग लगाना है। यूट्यूब पर जब आप लोग वीडियो को अपलोड करते हो टैग लगाने का एक जगह रहता है, उस जगह पर आप लोगों को सर्चेबल टैग लगाना है। जैसे कि अपना वीडियो का टॉपिक अगर मेक मनी के ऊपर है सो टैग पर आप कुछ इस प्रकार से टैग लगाइए जो टैग को ज़्यादा सर्च किया जाता है, जैसे कि पैसा कैसे कमाया जाए, ऑनलाइन पैसा कैसे कमाया जाए, पैसा कमाने का आसान तरीका, घर में बैठ के पैसा कमाओ, मतलब अपना वीडियो के रिलेटेड, अपना कॉन्टेंट के रिलेटेड कुछ सर्चेबल कीवर्ड चूज करते हुए अपना टैग बनाना है, और उस टैग को टैग का सेक्शन पर लगाना है। 5-10 टैग आपने लगा दिया हो, हाँ, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को आप लोग यूज़ करेंगे टैग पर भी, टाइटल पर भी और डिस्क्रिप्शन पर भी। सो कुछ इस प्रकार का चीज़ें, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। सर्च रिजल्ट के ऊपर वीडियो बनाइए और अपना वीडियो का SEO ठीक से कीजिए और थंबनेल को अट्रैक्टिव बनाइए। इस प्रकार से अगर आप लोग 30-40 वीडियो बना देते हो और उस पर्टिकुलर टॉपिक का डिमांड अगर मार्केट पर है सो भैया अपना वीडियो पर व्यूज़ जरूर आएगा।
इस प्रकार का कुछ टॉपिक फॉलो करते हुए आप लोगों का क्या कुछ एक्सपीरियंस है या फिर अपना क्या कुछ विचार है, मुझे इस वीडियो को नीचे कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। और हाँ भाई, चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। सो गाइस, बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी मिलेंगे इस प्रकार का नया शानदार और कमाल एपिसोड के साथ। आज के लिए गाइस बाय बाय।